हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएसएस स्टडी जोन में। तो साथियों, सीडीपीओ का जो डेट है, पीटी का डेट है, वो घोषित कर दिया गया है और ये 10 जून, ठीक है, ये 10 जून क्या है, हमारा टारगेट है। याद रखिएगा, इसी समय अंतराल के दौरान जो है आपको पीटी का प्रिपरेशन कंप्लीट करना होगा। तो ये बहुत ज़्यादा असंभव नहीं है। जितने भी विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि इतने कम समय पर कैसे तैयारी करें, तो मैं उनको बता दूँ कि आप सब ने इसकी तैयारी कर रखे हैं। जितने भी हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने इसकी तैयारी कर रखे। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने जेएसएससी दिया, ठीक है, आपने जेपीएससी दिया, तो एक बहुत बड़ा अनुभव जो है आपको हो चुका है। जो लोग जेपीएससी का मेंस दे रहे हैं वो यहाँ बीजी है, तो लगभग जो जेपीएससी को लेकर के बीजी है वो तो इस एग्ज़ाम के, और ये मान के चलेंगे कि लगभग वो नहीं आ रहे हैं, या हो सकता वो आ भी रहे हैं लेकिन उनका दिमाग तो एक तरफ सेट है। तो जो छात्र या जो युवा असफल हुए थे वो अब इस पे लग जाए, क्योंकि उनका जेएसएससी से एक अनुभव मिल चुका है, जेपीएससी से उनका बहुत बड़ा अनुभव हो चुका है दूसरे एग्जामिनेशन का, और इस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है वो ठीक अकॉर्डिंग वाइज उसी तरह है। तो क्यों ना आप सभी जो है इस पर लग जाए। एक अच्छा वैकेंसी है, झारखंड में ये पहली बार होने जा रहा है, और इस एग्जामिनेशन का जो संपूर्ण सिलेबस, एडवर्टीजमेंट के बारे में भी मैं जानकारी दूंगा, संपूर्ण सिलेबस की जानकारी और एग्जाम पैटर्न, तो जुड़े रहिए। और याद रखिएगा, ईगल आईएएस स्टडी जोन से आपको बराबर जो है अपडेट किया जाता है, मार्गदर्शित किया जाता है, ताकि हमारे जितने भी भाई बहन है वो सफल हो जाए, साथ में क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए, ये विज्ञापन उस समय आया था, विज्ञापन संख्या 21/2023 देख पा रहे हैं, और ये 26 अगले वर्ष का है। अगले वर्ष देखिए, मेरे यूट्यूब का जो शुरुआत का टाइम था, उस टाइम था ये 9 जून 2023 को मैंने इसे जो है अपने यूट्यूब पर अपलोड किया, हमें याद है, और तब से ले करके जो है अब तक इसकी क्लियरेंस जो है नहीं हुई थी, लेकिन अब पिछले दिनों जो है इसे क्लियरेंस कर दिया गया है। ना केवल पीटी बल्कि मेंस के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में इंटरव्यू तक के जो है डेट घोषित कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो एक बार वैकेंसी को देख ले, रिकॉल कर ले, और फिर जो है इसकी तैयारी को लेकर के क्या करेंगे, हम और आप लगे रहेंगे। तो चलिए, याद रखिएगा, यहाँ पर देखिए कुल 64 सीट रिक्त पदों पर जो है ना, नियमित आयुक्ति, ठीक है, 64 सीट पर जो है आवेदन पत्र मांगा गया था। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इस एग्जामिनेशन की, सबसे बड़ी विशेषता 50% पर जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, 50%। देखिए 32 सीट जो है हमारे बहनों के लिए आरक्षित हैं, तो वे क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, वो इस एग्जामिनेशन को भरे, और याद रखिएगा इस एग्जामिनेशन को आप क्लियर कर सकते है, क्योंकि आपने दो एग्जामिनेशन को जो है क्लियर किया है, एक तो जेएसएससी, दूसरा जेपीएससी, तो इस पर भी लग जाएं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ क्या कुछ है, संपूर्ण सिलेबस को लेकर के हम बताएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ याद रखिएगा, सीडीपीओ के जो न्यूनतम एज है, एज को लेकर के जो है हाल ही में जो है नोटिस जारी किया गया था, और अब भी इसका फॉर्म भरा रहा है, 20/5 तक इसका जो है फॉर्म फिलअप होगा, तो अभी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। एज का जो लोअर किया गया है उसे भी आप देख ले कि आप उस एज पे सेट हो रहे कि नहीं हो रहे, उसके बाद जो है अपने आगे की कार्रवाई चालू रखें। यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है अधिकतम उम्र सीमा जो है, न्यूनतम उम्र सीमा को लेकर के चर्चा किया गया, साथ में एक नोटिस जारी किया गया जो हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए देखिए, ये देखिए प्रारंभिक परीक्षा या लिखित परीक्षा का स्वरूप, तो क्या है प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप, इस स्वरूप को पहले देखते हैं, उसके बाद जो है कैसे करना है तैयारी, ये भी मैं आपसे बात करूंगा, और एक अलग से मैं बीडी जो है सीडीपीओ का सिलेबस के साथ कौन कौन कहाँ से तैयारी करें उसको लेकर भी जो है हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो पीटी का एग्जामिनेशन है, पीटी में दो पेपर है, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, पीटी में कितने पेपर हैं, दो पेपर, GS1 और दूसरा क्या हो गया, GS2, ठीक है, और ये दोनों कितने मार्क्स के हैं, 100-100 मार्क्स के हैं, तो कुल मिलाकर का पीटी, कुल मिलाकर के पीटी कितने मार्क्स का हो गया, 200 मार्क्स के हो गए, ठीक है। चलिए, तो GS1 का सिलेबस देखिए, GS1 का सिलेबस जो है यहां दिया हुआ है, ठीक है, पेपर 1 सामान्य अध्ययन 100, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना है, भारत एवं विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स, और झारखंड का इतिहास
इतिहास भूगोल एवं अर्थव्यवस्था। तो बताइए कि जो लोग JSSC के छात्र हैं क्या उन्होंने इसे नहीं पढ़ा है, जो लोग JPSC के तैयारी किया जिन्होंने एग्जामिनेशन दिए क्या उन्होंने इसे नहीं पढ़ा है, उनके ही तैयारी जो है मैं कहूँगा कंप्लीट हो चुका है। तो आवश्यकता किस चीज़ की है, आवश्यकता है रिविज़न की, आवश्यकता है रिविज़न की आवश्यकता है, और 7 से 8 घंटे की तैयारी ज़रूरत है इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। लग जाइए 7 से 8 घंटे का प्रिपरेशन करिए और एग्जामिनेशन को क्लियर करिए, ये एग्जामिनेशन भी आप लोग जो है क्लियर कर पाएंगे और आप सफल भी हो पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ जो है सामान्य अध्ययन 2 पेपर 2 देखिए, सामान्य अध्ययन 2 का देखिए, राज्य देश विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं अर्थात करेंट अफेयर्स का बात हो रहा है, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स के लिए तो समय हमें लगता है पर्याप्त है, करेंट अफेयर्स के लिए जो समय दिया गया अगर 1 महीना 10 दिन का समय मिल रहा है तो आप कर लेंगे, क्योंकि आपने पिछला किया हुआ है आपका JSSC CGL में, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। सामान्य विज्ञान विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मली अगर आप फिर भी चाहते हैं तो लूसेंट से जो है सहायता ले सकते हैं। लूसेंट, हालांकि आपने JSSC JPSC में साइंस की तैयारी की थी, इस साइंस को और डेवलपमेंट कर लीजिए, लूसेंट का जो है साइंस का बुक आता है उसे तैयारी का आप माध्यम बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा चलिए सामान्य मानसिक क्षमता और तर्क विश्लेषण क्षमता अर्थात रीजनिंग की बात हो रही है, तो रीजनिंग आपका किया हुआ है कहां, JSSC में। तो PT का रास्ता नहीं रुक रहा है, PT बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसके साथ इसके जो सोर्सेस, इसके सोर्सेस इन परीक्षाओं के सोर्सेस अर्थात इस एग्जामिनेशन को तैयारी करने और क्या सोर्सेस हो सकता है, NCERT इज द बेस्ट है ना, सबसे बड़ा सोर्सेस क्या है, NCERT है। NCERT उठाइए और तैयारी शुरू कर दीजिए। आई होप कि अगर आप 8 घंटे का समय देते हैं तो आप इस तैयारी को अगले 15 दिन के बाद हमसे बात कीजिएगा, आपको लगेगा कि आफ्टर 15 डेज आप एक मजबूत स्थिति में है, क्योंकि NCERT आप जोर शोर से 8 आवर्स 2 वर्ग में बांट करके जो है NCERT को अध्ययन कीजिए, आपका बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग 4-4 घंटे का समय दीजिए, आई होप कि आप 15 दिन के बाद जो है अपने एक सही स्टेज पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया दूसरा क्या है, सामान्य विज्ञान, और तीसरा मंस। तो आपने देखा PT एग्जामिनेशन जो है कितने मार्क्स का हो रहा है, 200 मार्क्स का हो रहा है, और सोर्सेस क्या है, हमें NCERT का अध्ययन करना है, और जितने भी बच्चे JSSC और JPSC दिए हैं उनका तो पहले से ही बहुत अनुभव हो चुका है, इन अनुभव को यहाँ पीड़ोइए और इस एक एक अपने प्रिपरेशन को जो है एक सूत्र में बांध करके इसकी तैयारी कीजिए। 64 सीट मत देखिए, ये देखिए कि ये एक अच्छा पोस्ट है ना, खास करके जो है हमारे बहनों के लिए ये जो है एक बहुत अच्छा पोस्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अब देखेंगे मुख्य परीक्षा में क्या कुछ पूछा जा रहा है, चूंकि मुख्य परीक्षा का भी डेट घोषित कर दिया गया है तो मुख्य परीक्षा को भी तैयारी को लेकर के हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि एक जो है आज एक एट ए ग्लांस हम लोग ले लेते हैं। चलिए मुख्य परीक्षा में सबसे पहले जो है हिंदी होगा 100 अंकों का होगा, और ये क्या है क्वालिफाइंग होंगे, क्वालिफाइंग अंक होगा, ठीक है, 30 का होगा। इस अंक को मेधा सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि हिंदी जो है पहला क्या है क्वालिफाइंग है, जैसा JPSC में भी आपने देखा कि मेंस का जो तरीका है पहला पेपर क्वालिफाइंग होता है। सामान्य अध्ययन के जो है 2 पत्र होंगे प्रत्येक 100 अंक के, तो 200 का। GS कितने का हो गया, 200 का हो गया। हिंदी कितने का हो गया, 100, तो 300 का यहां हो गया। इसके अलावा देखिए वैकल्पिक विषय के भी 2 पत्र होंगे, और कौन कौन से विषय आपको लेने हैं, गृह विज्ञान में से लेना चाहते ले सकते हैं, मनोविज्ञान ले सकते हैं, समाजशास्त्र ले सकते हैं, श्रम एवं समाज कल्याण ले सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं जो काफ़ी JPSC में भी फेमस माना जाता है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर है ना, LSW जिसे हम कहते हैं, ये जो है आप ले सकते हैं। इसका 2 इफेक्ट है, एक तो JPSC में भी काम आ जाएगा, ठीक है, दूसरा जो लोग मेंस का तैयारी करें उनके लिए मैं, अगर उन्हें GS रहा, पहले जो है LSW एक पेपर था जिसमें JPSC के बहुत सारे विद्यार्थी शामिल होते थे, तो आप LSW का पेपर ले सकते हैं, ठीक है, जो अदर लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। तो ये इन 4 पेपर में से कोई एक पेपर आपको लेना है, उसके 2 पत्र रहेंगे, और प्रत्येक पत्र कितने का होगा, 200 अंकों का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार मुख्य परीक्षा का अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन कुल कितने
मार्क्स का हुआ, पीटी तो 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है पहली बात। मेंस कितने मार्क्स का हो गया, तो हिंदी हो गए 100 के, सामान्य अध्ययन के 2, तो हो गए 200 और 100, 300, और इधर हो गया 200 के 2 पेपर, तो 400, तो कितने का हो गया कुल जो है 700 का हो गया आपका क्या ना मेंस हो गया, ठीक है। और इंटरव्यू, चलिए अब इंटरव्यू कितने का है, इंटरव्यू जो है वो कितना है 50 अंकों का है, तो इस प्रकार कुल मिलाकर के कितने हो गए ना 950, है ना 950 का हो गया ये एग्जामिनेशन। पीटी के हो गए 200 अंक हो गए, ठीक है, और मेंस के कितने हो गए, तो मेंस के हो गए आपके 700 का मेंस हो गया, हिंदी हो गए 100, जीएस पेपर 2 है तो 200-300, और गृह वैकल्पिक विषय के 2 पेपर, तो 400 अंकों का हो गया, तो 400-300-700, और इंटरव्यू होंगे आपके 50 के, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इस 950 अंकों में क्या होगा आपका मेरिट जो है वो तय होगा। अब सवाल है कि एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें, ऑलरेडी आपने तैयार आप हो चुके हैं, जेएसएससी और जेपीएससी के जो छात्र हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं, है ना, फिर भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को क्या बना ले ना अपना मुकाम बना ले, और एनसीईआरटी के ऊपर जो है इसको लेकर के दिन रात जो है आप पेपर 1 और पेपर 2 एक एक पेपर उठाएं, पहले भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उठाएं, उसे जो है एक दो दिन का समय दें एनसीईआरटी को कवरअप करें, फिर भूगोल को उठाए, फिर राज्य व्यवस्था को उठाए, फिर झारखंड तो किया हुआ है उसे तो सिर्फ हर दिन थोड़ा थोड़ा करके देखना है, हर दिन झारखंड को एक घंटा करके देखें, याद रखिएगा झारखंड के लिए एक घंटा फिक्स कर दीजिए, क्योंकि वो आपका है कंप्लीट हो चुका है जेएसएससी जेपीएससी देने के बाद, उसे रिविजन करने की आवश्यकता है, ठीक है। और करेंट अफेयर्स को जरूर समय दीजिएगा, क्योंकि सेकेंड पेपर में मेन मुद्दा जो है करेंट अफेयर्स और विज्ञान है, और साथ में रीजनिंग, जो बच्चे जेएसएससी सीजीएल दें उनके लिए तो रीजनिंग कंप्लीट ही हम कहेंगे, तो इस प्रकार ये एग्जामिनेशन जो है आप क्लियर कर सकते हैं। इस एग्जामिनेशन के लिए 7 से 8 घंटे के एक लगातार स्टडी की आवश्यकता है, जितने भी जो सफल हो गए उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे जो युवा जो असफल हो गए थे उनके लिए एक और एग्जामिनेशन आपके सामने है। इस एग्जामिनेशन को फॉर्म को भरे, 20 तारीख तक डेट दिया हुआ है, और इस पर जो है अपनी तैयारी आज से ही इसकी तैयारी जो है शुरू कर रहे, एनसीईआरटी को मुकाम बनाए, बेस बनाए, बाकी कोई भी रेफरेंस बुक जो आपको अच्छा लगे, जहां से आपको जो है अच्छा कंटेंट प्रोवाइड हो आप तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ बराबर जुड़े रहे, हम जो है आपके लिए हमेशा क्लासेस लेकर के आते हैं, और बराबर जेपीएससी जेएससी की जो अपडेट्स हो वो बराबर मिलते रहता है, यथासंभव मार्गदर्शन भी आपको दिया जाता है कि कैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करें, और आगे भी जो है हम आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।